हेलो फ्रेंड्स, ये दूसरा लेसन है मेरी लिनक्स उबंटु बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं उबंटु में बाय यूजिंग जीयूआई कली सॉफ्टवेयर सेंटर और कमांड लाइन से। तो चलो उबंटु को चला लेते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर सेंटर है उबंटु का। इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, एग्जांपल के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर किजाम जो स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करूंगा दोनों मेथड से, जीयूआई कली और कमांड लाइन। यहाँ पर टाइप करते हैं किजाम। देखिए यहाँ पर आ चुका है। मोर इन्फो पर क्लिक करते हैं, यूज दिस सोर्स, पासवर्ड देते हैं। अब देखिए किजाम इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब किजाम पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। देखिए मैंने किजाम सॉफ्टवेयर सेंटर से इंस्टॉल किया है। यह सिर्फ एग्जांपल के लिए है, आपको बताने के लिए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उबंटु में सॉफ्टवेयर सेंटर से और टर्मिनल से। अगर आपको कुछ समझ ना आए, जैसे कि मैं टर्मिनल में कमांड देकर इंस्टॉल करूँगा, अगर आपको वो समझ ना आए तो बस करके देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम लिनक्स के ट्यूटोरियल शुरू करें तो आपको कुछ तो पता हो, तो कुछ बेसिक्स आपको पता हो कि हमें क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। ये तो नहीं बताऊंगा इसमें कि क्यों लिख रहे हैं वो कमांड का मतलब, बट आपको पता हो। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। टाइप करते हैं किजाम। अब देखिए ये ग्रीन कलर सर्कल में जो टिक है वाइट, इसका मतलब है ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको चला के देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर सेंटर में। यहाँ ऑल्ट F2 क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं किजाम। देखिए मैंने पहले सर्च किया था और क्लिक करते हैं किजाम। अब देखिए ये स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर है तो ये खुल चुका है। अब फिर से सॉफ्टवेयर सेंटर में हम जाते हैं। इसे रिमूव कर देते हैं। देखिए ये रिमूव होना शुरू हो चुका है। वेट करते हैं। पासवर्ड, चेक करते हैं कि ये अनइंस्टॉल हुआ कि नहीं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं किजाम। अब देखिए हमारे सर्च में हमें किजाम, जैसे हमने पहले सर्च किया था किजाम, तो यहाँ पर किजाम वो कैमरे सा लोगो आ गया था, अब नहीं है। इसका मतलब किजाम पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अब हम इसे कमांड लाइन से इंस्टॉल करेंगे। तो कमांड लाइन से इंस्टॉल करने के लिए प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट टी। अब देखिए टर्मिनल ओपन हो जाएगा और अब हम यहां पर टाइप करेंगे sudo add apt repository ppa किजाम टीम / stable series और एंटर कर देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं।
ये क्या बोला, सॉरी स्टेबल सीरीज, अब देखिए ये कह रहा है कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और कंट्रोल सी टू कैंसल ऐड, ओके एंटर कर देते हैं। अब ये कुछ रेपोजिटरी ऐड की है कि हम एग्जाम को इंस्टॉल कर सकें। अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। देखिए अगर आप कोई भी पीपीए के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो पीपीए जो हमने रेपोजिटरी ऐड की है उस कमांड के बाद हमेशा हमें अपडेट करना चाहिए, नहीं तो जब हम इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर की कमांड देंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो करते हैं sudo apt get install get update, अब देखिए ये कुछ अपडेट्स इंस्टॉल करेगा, वेट करते हैं। देखिए ये अपडेट कर चुका है। अब टाइप करते हैं sudo apt get install exam और एंटर कर देते हैं। अब देखिए ये एंटर कह रहा है तो हम एंटर कर देते हैं यस, वाई और नो में हम यस क्लिक करते हैं। अब देखिए ये इंस्टॉल करना शुरू कर चुका है एग्जाम को। अब देखिए मुझे लगता है एग्जाम इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ फिर से क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं एग्जाम। अब देखिए जैसे मैंने के ए ही लिखा था अभी तो एग्जाम आ चुका है। देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। प्लीज जितना भी आप मुझे फीडबैक देंगे मैं उस वीडियोस को इतना ही इम्प्रूव कर पाऊंगा। प्लीज फ्रेंड्स एंड शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।